क्लास नाइन लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 का आज हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है लाइंस एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एफ एंगल पी ओ वाई इज 90 एंड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3, देन फाइंड सी। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैंने डायग्राम बना के रखा है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पी ओ एक्स एंड पी ओ वाई सेम लाइन पे है, तो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। एक ही स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर से 180 हो जाते हैं, तो यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। नाउ गिवन है कि पी ओ वाई 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा पी ओ एक्स 90 डिग्री। अब पी ओ एक्स का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टिंग ए एंड बी, तो इन प्लेस ऑफ पी ओ वी पी ओ एक्स वी कैन राइट ए एंड बी, एंगल ए प्लस बी इज 90 डिग्री। और दूसरी बात, यहाँ रेशियोज इसके 2:3 दिए हैं, तो देयर फोर वी कैन यूज दिस रेशियोज टू फाइंड आउट इंडिविजुअल एंगल। इसका तरीका क्या होता है, किसी का सम गिवन हो और रेशियो गिवन हो, तो ए एंगल क्या हो जाएगा, इसका पार्ट है 2 एंड द एक्चुअल सम इज 90 एंड दिस सम इज 5, तो दिस 5 इंटू दिस 90, तो ए यहाँ कैंसिल होके हो जाएगा 18 टू जा 36। तो ऐसे बी आप निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट माइनस करके 36 को 90 में से माइनस करें, या हम इस तरीके से निकालें तो भी निकाल सकते हैं, दिस इज 3/5। नाउ द पोर्शन ऑफ बी इज 3 ऑन सम एंड एक्चुअल सम इज 90। ए एंड बी आ गया, अब हमें सी निकालना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन सी है, तो यहाँ देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल बी प्लस सी इज 180 बाय सेम रीजन लीनियर पेयर एंड बी इज गिवन 54। तो एंगल सी इज इक्वल टू 126, दिस इज आवर आंसर।